स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। सो अब हम जानेंगे कि एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। हमने जाना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें इक्वालिटी साइन नहीं होता है। सो जो हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसके अंदर क्या होगा, एक इक्वालिटी साइन होगा। सो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको लिया था। दैट इज सपोज आई एम टेकिंग टू, दैट इज माई टू एक्स, टू एक्स प्लस में थ्री वाई। लेट्स सपोज मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं आपका, राइट। आप देख रहे हैं अभी भी इसमें इक्वालिटी साइन नहीं है, राइट। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, यहां पे एक इक्वालिटी साइन लगा के मैंने इसके सामने लेट्स सपोज जीरो आपका पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, ठीक है। सो अब आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या हो गया, एक इक्वालिटी साइन बीच में आ गया, राइट। एंड यहां पे हमने जीरो पुट कर दिया। सो एनी एक्सप्रेशन जिसके पास इक्वालिटी साइन भी है, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन मींस इक्वालिटी साइन। इक्वेशन जब भी हम बात करेंगे तो उसमें इक्वालिटी साइन होगा ही होगा। सो नाउ व्हाट इज एल्जेब्रिक इक्वेशन। सो एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है दैट इज माई, अगेन माई एल्जेब्रिक सम इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट रिटन विद इक्वालिटी साइन। सो डिफरेंस क्या है दोनों में, सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें हम जो है इक्वालिटी साइन रखते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इक्वालिटी साइन नहीं रखते हैं, ठीक है। सो यहां पर एग्जाम्पल है जो आपको दिखाना चाहूंगा मैं। यहां पे देख पा रहे हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। ये क्या है मेरा स्टेटमेंट से जो आप देख पा रहे हैं, और इसमें क्या है मेरा एल्जेब्रिक या एक्सप्रेशन है, इसमें क्या आपका इक्वालिटी साइन है आपका। या आपका सेकंड एग्जांपल देखिए आप, इसमें क्या है आपका 2x प्लस में 3y इक्वल टू 9। यहां पे आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपका विद इक्वालिटी साइन लिखा गया है, राइट। तो ये भी मेरा क्या होगा, एल्जेब्रिक इक्वेशन। सो अब हम जानेंगे कि जो हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने यहां पे एग्जांपल देखा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कितने टर्म्स हैं, यहां पे वी हैव टू टर्म्स, वन इज दिस एंड वन इज दिस, राइट। ओके, सो इसमें आपकी दो टर्म है, वेरिएबल कितने हैं वो जानेंगे। दिस इज माई वन वेरिएबल एंड दिस इज माई सेकेंड वन वेरिएबल, राइट। सो वी हैव टू वेरिएबल, राइट। सो दिस इज अ इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, राइट। नाउ एज वी हैव अनदर एग्जाम्पल लाइक फर्स्ट वन, यू कैन सी दिस इज 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। इन दिस यू कैन सी दैट यहां पे कितने वेरिएबल हैं, यहां पे सिर्फ हमारा एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, राइट। ओके, सेकेंड इक्वेशन में कितने वेरिएबल है हमारे, दो वेरिएबल है, वन इज x एंड द सेकेंड वन इज y। अब मैं थर्ड वेरिएबल की, थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं, राइट। ये भी क्या है मेरा इक्वेशन है, राइट। इसमें कितने वेरिएबल है, आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है मेरा x। सो यहां पे आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपका इक्वेशन में x की पावर 3, x की पावर 2, x या कुछ आपका जो इस तरह से पावर में लिखा हुआ है, तो अगर उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो उस पूरी इक्वेशन को मैं एज ए सिंगल वेरिएबल ही बुलाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां पे एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, एक नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल हो रहा है यूज, दैट इज माय एक्स, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन विद वन वेरिएबल, ओके। अब बात करते हैं इसकी, इसमें आप देखेंगे कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स, राइट। सो अब यहां पे आपका जो एक्सप्रेस, आपका जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसके बारे में कुछ आपकी जो बेसिक चीजें आपको वो भी बताना चाहूंगा। आप यहां पे ये एग्जांपल देख पा रहे हैं, जो यहां पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या है मेरा वेरिएबल, दिस इज माय कांस्टेंट, राइट, एंड दिस इज माय इक्वालिटी साइन। सो जब भी हम किसी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, राइट, सो उस इक्वेशन के अंदर एक क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड LHS, ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये वाला, राइट। नाउ दिस वन, दिस इज माय राइट हैंड साइड,
एंड दिस इज माय इक्वालिटी साइन, राइट। सो जो हमारा एलजेब्रिक इक्वेशन या एनी इक्वेशन जिसके बारे में बात करता हूं मैं, वो इक्वेशन क्या होगा, उसके अंदर आपका एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक आपका राइट हैंड साइड होगा और आपका क्या होगा, इक्वालिटी साइन होगा। तो हमने अभी क्या जाना, व्हाट इज एलजेब्रिक इक्वेशन।